रवि पहली गेंद अंपायर को पार किया और बड़ा प्रहार कर दिया वहां पर पहली ही गेंद पर मिलेंगे पूरे 6 रन करने के लिए। अगली मतवा फिर से चले रवि सामने संडी और खेला 1 रन के लिए बल्टे रन आउट का चांस। चले रवि मात्रे अगली मर्तबा फिर से चले रवि अंपायर को पार किया सामने है सौरव काफी बढ़िया गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला कोई रन नहीं। पांचवी मर्तबा फिर से चले अंपायर को पार किया पर हार करना चाहते थे लेकिन चूंकि एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 10 रन 1-1 शिमला के बीच और वहां पर काफी बढ़िया गेंद समझ नहीं पाए सौरव प्राप्त करेंगे 1 रन दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार किया ये गेंद एक मर्तबा बढ़िया गेंद तो खेला मिलेगा 1 रन और मैं तो फिर से चले फुल टॉस गेंद बाहर रन आउट का चांस भाई ओवर घटता हुआ अभी तक जेएमटी बरोक के लिए और काफी बढ़िया गेंद चकमा देती सैंडी को अगले मतलब फिर से चले और दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर है पहली गेंद काफी दूर अंपायर को पार किया और काफी बढ़िया गेंद वहां पर मिलेगा 1 रन अगले मुझे फिर से चले काफी बढ़िया कैच वहां पर इस गेंद पर 6 रन प्राप्त कर सकते थे सैंडी। चौथी मतवा चलेंगे अबू दौड़ना शुरू किया पार को पार किया काफी गेंद अच्छा क्रिकेट खेला अच्छा खेला गेंद प्राप्ति सीधे बल्ले से मिलेंगे पूरे 6 रन अंतिम मतबा चलेंगे अपू सामने है सलामी बल्लेबाज सौरव वहां पर थे तीन ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर लंबा रन आउट दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार किया पहली गेंद काफी बढ़िया गेंद वहां पर दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार किया ये गेंद लंबा प्रहार करना चाहते थे लेकिन क्योंकि अगले मतलब फिर से चले अंपायर को पार किया सामने सोनू अगले मतलब फिर से चले और चूंकि वहां पर बल्लेबाज सौरव अगले मतलब फिर से चले रवि अंपायर को पार किया सामने सौरव वहां पर पार करने व्हाइट बॉल बाइक के रूप में 1 रन प्राप्त किया अंतिम गेंद सामने सोनू और हल्के तो खेला 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 33 रन सोनू स्कोर रुका हुआ 33 के योग पर पहली गेंद फिर से चले और
कहते हैं सोनू ये गेंद पीछे कड़क कर मार दी है। वाह भाई हार कर रहे हैं तो सोनू अभी मैं तो फिर से सामने सोनू दौड़ने शुरू किया अंपायर को पार चाहिए फिर से गेंद को बल्ले का कोई संपर्क नहीं अंतिम गेंद इस ओवर की अंपायर को पार किया अंपायर ने तो खेला दो खिलाड़ी के बीच से आसानी से विकेट प्राप्त की। शुरू होता हुआ पहली गेंद चार सोनू के पल्ले से फिर से सामने लगा 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 शेष सामने है सौरभ अंपायर को पार किया दूसरी बच्चा चले पंपी पार को पार किया प्राप्त करेंगे दो रन चले पंपी पहली मरतबा सामना करेंगे धीरज युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी ये गेंद लेकिन चूके दूसरी मरतबा चले काफी बढ़िया कैच यहाँ पर आवश्यकता लंबे प्रहार की ये गेंद तो खेल दिया दो रन की समाप्ति पे स्कोर है 73 रन बारी का अंतिम और अपने कोटे का भी अंतिम ओवर लेकर आए बिल्कुल पहले मतबा अंपायर को पार किया दूसरी बच्चे चले बिन्नू उपाय को पार किया ये छोटा गया फिर से मिलेगा भी एक ही रन सुब्रा ने 80 रनों का टारगेट किया है जेएम की बारी को सेकंड इनिंग का चले हो जाए तो लगता ओवर की अच्छी गेंद वहां पे सेकंड मरतबा चले गए पैर को पार किया का प्रयास किया कैच हाँ मैं देखिए कैच होता या नहीं अरे कैच अरे बड़ौका और टच की जगह ले गए मिस्टर पांडे और फिर से मारने का प्रयास निश्चित रूप में 6 रन हो गए हैं और पैर को पार किया अरे वहाँ पे एक रन ही मिलेगा वहाँ पे पैर को पार किया
पीछे पीछे अगेन देखिए इतना चल रहा वहाँ पे और एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 8-8 करेंगे मिस्टर सोना पार को पार किया और इसी नीचे अगेन और देखते हैं क्या है और 4-8 इसी बीच पार को पार किया और फिर से पैर को पार किया और ये क्या और एक ही रक्षा संतुष्ट होना पड़ेगा टीम को पैर को पार किया और इस बीच ये क्या और नीचे रो में 6 रन भी लगे वहाँ पे मिस्टर पानी को जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और फिर से हल्का सा क्लिक किया लेग साइड पे अब एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बाउंड्री लगाते हैं या सिंगल एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा वहाँ पे देव को दो ओवर की समाप्ति पर जल्दी बड़ों का स्कोर है 22 रन पर चले गए मीडियम पास अच्छी इसी बीच पार को पार किया और ये क्या स्वागत का प्रयास किया लेकिन दो रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा मिस्टर देव को देखते हैं कैच होता है या नहीं और ड्रॉप हो गया 4 रन मिलेंगे वहां पे फिर से उठाकर मारने का प्रयास पार को पार किया वापिस कमेंट जाना होगा मिस्टर देव को और देव की पारी हुई मिस्टर को क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए इसी बीच पार को पार अच्छी गेंदबाजी कोई भी मैच में पकड़ बना के रखनी है इसी बीच पंकज पार को पार किया और स्लो डिलीवरी अच्छी गेंदबाजी सोच-बूझ वाली गेंदबाजी कर रहे हैं इसी बीच पार को पार किया और फिर से और स्कोर पहुंचा है 4 ओवर की समाप्ति पे 37 रन पार को पार किया दो है शाबाश कोई नहीं पे रख बढ़िया ये बात और टीम के इसी बीच 4 रन पूरे हो गए हैं वहाँ पे इसी बीच और मारने का प्रयास थोड़ा सा मिस हुआ वहाँ पे 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 51 रन राइट अब ओवर टीम के करेंगे पार को पार किया मारने का प्रयास किया इसी बीच देखते हैं क्या पार को करें 6 रन छक्का या चौका तो जरूर लग रहा है इसी बीच फिर से मारने का प्रयास
बल्लेबाजी कैदियों की मिस्टर पम्मी जी